डियर स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स में 5th चैप्टर स्क्यूनेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट हमने एक्सरसाइज 5.1 कार्ल पियर्सन्स मेथड के सम्स जो कंप्लीट किए थे। नाउ सेकंड मेथड बाउलीज मेथड, और बाउलीज मेथड के जो सम्स है वो एक्सरसाइज 5.2 में है। बाउलीज मेथड की फॉर्मूला हमने अगले वीडियोज में देख लिया है, कौन सी फॉर्मूला कब यूज़ करनी है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। ज़्यादातर ये जो बिग सम्स 5 मार्क्स के आएंगे उसमें सभी में जो बाउलीज मेथड की फॉर्मूला स्क्यूनेस की फॉर्मूला होगी Q3 + Q1 - 2m, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला होगी J = Q3 + Q1 - 2m / Q3 - Q1, या तो स्क्यूनेस अपॉन Q3 - Q1, इनका यूज करना है। और ये मेथड से भी आंसर -1 to +1 के बीच में ही आएगा। अब हम सम स्टार्ट करेंगे, मतलब के बाउलीज मेथड में आपको फाइंड करना है Q1 Q3 एंड n। ओके, तो 5.2 का फर्स्ट टर्म, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट यंगस्टर्स एक्सरसाइजिंग इन अ जिमनेशियम फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बाउलीज मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। बाउलीज मेथड से कार्ल पियर्सन, बाउलीज मेथड से स्क्यूनेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है और उनकी टाइप डिटरमाइन करनी है। अब देखो, फर्स्ट सम में जो एज इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ यंगस्टर्स, एज ऑफ ईयर्स विच इज कॉल्ड एक्स एंड नंबर ऑफ यंगस्टर्स विच इज कॉल्ड एफ, एक्स एंड एफ आर गिवन, दैट्स वाई द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप लोगों को मालूम है, थर्ड चैप्टर में आपने जो आप लोगों ने जो क्वार्टाइज मीडियन डिसाइज परसेंटाइज फाइंड किया था, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, चाहे डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो अरेंज करना है। यहाँ पर एक्स में देखो 25, 17, 20, 18, 26, 22, 28, 23 असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले उनको विथ फ्रीक्वेंसी अरेंज करना है। तो द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 17 एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4। देन 18 फ्रीक्वेंसी इज 11, 18 के बाद आएगा 20, फ्रीक्वेंसी इज 19, 20 के बाद आएगा 22, फ्रीक्वेंसी इज 9, देन 23, फ्रीक्वेंसी इज 8, देन 25, फ्रीक्वेंसी इज 22, 26, फ्रीक्वेंसी इज 7, एंड 28, फ्रीक्वेंसी इज 3। बाद में काउंट कर लो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, सभी ऑब्जर्वेशंस आ गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है बाउलीज मेथड में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं वो फर्स्ट सबसे पहले चेक करना है, अगर वो चेक नहीं करेंगे तो पूरा सम रॉन्ग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग याद में रखो, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर देन देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अरेंजिंग देम, बट इफ द ऑब्जर्वेशंस आर नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर देन अरेंज देम विथ फ्रीक्वेंसी। विथ फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन 17 है तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो उनके सामने है डेटा में वही आएगी, सिमिलरली फिर 18 है तो 11, 20 है तो 19, एटसेट्रा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड और आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है यहां पर, तो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगा आपका 83। ओके,
And for Pauli's method, we require the values of Q1, Q3 and M. And आपको मालूम है Q1, Q3 and M find करने के लिए आपको एक ही कॉलम फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ. 4 प्लस 11 15 15 प्लस 19 34 प्लस 9 43 51 2 प्लस 1 3 5 प्लस 2 7 73 प्लस 7 80 प्लस 3 83. एक ही कॉलम फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. नाउ क्यू वन द वैल्यू ऑफ एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. आपको मालूम है क्यू वन कैसे फाइंड करेंगे डिस्क्रीट में, तो द वैल्यू ऑफ एन प्लस वन अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू the value of n means sum of the frequency 83 plus 1 divided by 4th observation equal to the value of 83 plus 1 84 84 divided by 4 21. नाउ सी इन द सी एफ कॉलम 21 कहाँ पर है सी एफ में, 4 में नहीं आएगा, 15 में नहीं आएगा, 34 में आएगा. कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज 20 विच इज कॉल्ड क्यू वन. फ्रॉम द कॉलम ऑफ सी एफ क्यू वन इक्वल टू 20. ओके फिर से ये 21 सी एफ में देखो कहाँ पर इंक्लूड होगा, 34 में. कोरोस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज 20 विच इज कॉल्ड क्यू वन. देन आफ्टर क्यू थ्री द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन. क्यू थ्री कैसे फाइंड करेंगे, तो 3 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन. तो द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 4 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है, तो डायरेक्टली वो पुट अप करो 21. द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 21 63 ऑब्जर्वेशन. सी एफ के कॉलम में देखो 63 कहाँ पर आएगा, तो 73 में. कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज 25 विच इज नथिंग बट अ क्यू थ्री. फ्रॉम द कॉलम ऑफ सी एफ क्यू थ्री इक्वल टू 25 डायरेक्टली मिल जाएगा डिस्क्रिक्ट में. तो क्यू वन एंड क्यू थ्री फाइंड हो गया. नाउ मीडियन एम, तो एम इक्वल टू the value of n plus 1 divided by 2. median में divided by 2 आएगा, quartiles में divided by 4 आएगा. the value of n मतलब 83 plus 1 divided by 2 तो equal to the value of 83 प्लस 1 84 84 डिवाइडेड बाय 2 42. नाउ सी इन द कॉलम ऑफ सी एफ 42 कहां पर आएगा, 43 में. कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज 22. फ्रॉम द कॉलम ऑफ सी एफ मीडियन इक्वल टू क्या आएगा, 22. तो बाउलीज मेथड इजी है. बाउलीज मेथड में सिर्फ आपको फाइंड करना है क्यू वन क्यू थ्री एंड एम. एंड नाउ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जे इक्वल टू
फॉर्मूला आएगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। बाउलीज मेथड में बिग सम्स में ये फॉर्मूला लेनी है, वो मैंने थियरी के टाइम पे आपको बताया था। नाउ पुट अप द वैल्यूज, Q3 तो 25 प्लस Q1 20 माइनस 2 मीडियन 22, Q3 25 माइनस Q1 20, 25 प्लस 20 45 माइनस 2 इंटू 22 44 डिवाइडेड बाय 5, 45 माइनस 44 1 डिवाइडेड बाय 5 तो 0.2, 1/5 मीन्स 0.2 एंड आंसर प्लस में है। तो द टाइप ऑफ स्क्यूनेस इज पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो ये आपका बाउलीज मेथड का सम हुआ। तो ये सम में 5.2 का फर्स्ट सम है, उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मगर जो ऑब्जर्वेशन वो एसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस एक्स को विथ फ्रीक्वेंसी एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उनका फ्रीक्वेंसी का सम और फाइंड द कॉलम ऑफ CF, और बाद में Q1 Q3 m फाइंड करके J इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1 फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करोगे तो आपका J आएगा। ये भी माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में ही आएगा। आंसर प्लस में है तो आपका स्क्यूनेस का टाइप होगा पॉजिटिव स्क्यूनेस। ओके, तो ये आपका 5.2 का फर्स्ट सम हुआ। सेकंड सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।